हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप मैथ में कमजोर हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमेशा मैं बेसिक चीज़ों से लेकर चलता हूँ। सबसे पहले किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा एग्जाम्पल समझना होगा। हमारे एग्जाम्पल को समझिए, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। वह करेंगे निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, इसका भी समाकलन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या है, समाकलन 2x² प्लस ई का पावर एक्स और क्या डी। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस, ये आपका दो पदों में है कोष्ठक वालीदार की, तो एक बार समाकलन इसके साथ होगा और एक बार समाकलन इसके साथ होगा। ठीक है, तो आप रखेंगे कैसे, समाकलन एक बार इसके साथ, चलिए 2x² साथ में जुड़ जाएगा dx। ठीक है, समाकलन का नियम है हमेशा dx लगता है, प्लस ये भी समाकलन हो जाएगा e का पावर x, ये आपका क्या हो जाएगा dx। इतना ठीक है, अभी हम बताए हैं कि यदि आपका x² यदि किसी का भी गुणांक यदि अचर राशि हो यानी कि अंक हो तो अंक बाहर आ जाएगा समाकलन, क्योंकि ये x का गुणांक है, x² का गुणांक 2 है तो ये बाहर आ जाएगा। ये इसे लिखेंगे 2 समाकलन x² dx, ठीक है, प्लस समाकलन e का पावर x dx। ठीक है, यहां से आ जाएंगे 2 समाकलन, नहीं सॉरी 2 समाकलन नहीं होगा, x² का देखिए, देखिए x² घात इस पे टूट जाएगा, घात एक बढ़ जाता है, बाटा में घात आ जाता है। ठीक है, घात इसमें ऐड कर दीजिए तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x² नहीं होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा ना, x³ बटा में क्या 3 हो गया। चलिए यहां से प्लस फिर e का पावर x का देख लीजिए समाकलन, e का पावर x का समाकलन होता है e का पावर x का बटा में x का गुणांक, यहां पर 1 है गुणांक पे 1 रखेंगे नहीं क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। यहां पर आ जाइए तो e का पावर x का समाकलन e का पावर x, कह रहा है कि बटा में x का गुणांक, तो यदि x का गुणांक जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 हो, ठीक है, यहाँ पर 9 हो तो बटा में 9 हो जाएगा, यदि 11 आएगा तो बटा में 11, लेकिन यहाँ पर आपका तो गुणांक है नहीं तो e का पावर x हो जाएगा आप प्लस बड़ा सा क्या c, ये हो गया आपका फाइनल, ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए कैसे होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।